इंसाफ के आगे, इंसाफ के आगे, बेनावली 196 से, बेनावली 196 से, बेनावली 196 से, लागू करो, वी बांट, हम क्या चाहते हैं? सर हमारा जो है फिफ्थ पे कमीशन के वक्त हमारे साथ पुलिस को डिनाई किया गया, उसके बाद सिक्स पे कमीशन आया उसमें भी एज इट इज़ किया गया, सेवन्थ पे कमीशन में भी एज इट इज़ रखा गया। तो अब 17, 10, 14 को इन्होंने सेवन्थ पे कमीशन लागू किया। तो उसमें हम ये चाहते हैं कि जितने लोग 196 से लेकर 17, 10, 14 तक जिन लोगों ने सर्विस की है या रिटायर हुए उनको उनका बनता हक मिलना चाहिए और उनको इसका बेनिफिट दिया जाना चाहिए। तो जिस भी अब हुकूमत के पास जिस वक्त हुकूमतें थी उनके पास हम जाते हैं, सब उन्हें लारे वादे और झांसे ही दिए और टाइम किल किया और हमारे मसले को हल करने की किसी ने कोशिश नहीं की। और उसके बाद बात अभी गवर्नर साहब की आई तो अब उम्मीद रखते हैं कि गवर्नर साहब शायद इस दराने मसले को जल्द से जल्द हल करने की कोशिश करेंगे और हमारे सीनियर सिटीजनों के साथ इंसाफ फरमाया जाएगा, तो हम उसी उम्मीद में बैठे हैं। तो ये हमारा प्रोटेस्ट और धरना ये कंटिन्यूसली रहेंगे और जब तक हमारा ये मसला हल नहीं होता तब तक एज इट इज़ हम अपनी स्ट्रगल को जारी रखेंगे। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.